अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। उपराष्ट्रपति के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष को लेकर भेजी 1000 चिट्ठियां। राज्यसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष की मनाही से महाराष्ट्र में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज कामोठे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने वेंकैया नायडू के खिलाफ प्रदर्शन किया और डाकघर से 1000 चिट्ठियों के जरिए अपना विरोध संदेश भेजा। एनसीपी के युवा नेता प्रणय अरुणे एवं नितेश यादव ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश का गौरव है। राज्यसभा में उनका जयघोष करने से मना करना उनका अपमान है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम उपराष्ट्रपति को यह जताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कामोठे से 5000 चिट्ठियों के जरिए उन तक यह विरोध संदेश भेजते रहेंगे। भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जन्नी घटना देता नहीं हे ही गोष्ट सांगून गेलेत। हा रक्तांचा वारसा नव्हे तर हा विचारांचा वारसा आहे। आम्ही त्याच महापुरुषांचे विचार जाऊचे आहोत आणि जी जो निंदनीय प्रकार घडला जो राज्यसभामध्ये जो शिवाजी महाराजांचा जो घोषणा रोखण्यात आली त्याचा मी प्रथम निषेध करतो। त्यात निषेधच्या आधारित जो कामोठा विभागातून 5000 पत्र जे आमच्या कामोठा विभागातून आम्ही पाठवायचा प्रयत्न करतोय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्रवादी प्रणय अरुणे इन्होंने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया है, वेंकैया नायडू का निषेध किया है। पर अगर देखा गए तो ये सिर्फ राष्ट्रवादी का मसला नहीं है, अगर ये देखा गए तो ये पूरे समाज के लिए और ये सामाजिक विषय है कि ये इसके ऊपर मसला है। आज पूरा यहाँ पे मतलब देखा जा सकता है कि ये राज्यसभा में उन्होंने एक शब्द निकाला है कि जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, ये नारा उन्होंने बंद करने को कोशिश की और वो बंद किया है। ये राज्यसभा है, उनको मैं ध्यान में देता हूँ कि ये राज्यसभा है, वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के हिसाब से है और राज्यसभा मतलब हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज्य था। और अभी ये राज्यसभा में आप कुछ भी बातें करते हो, मतलब वो मतलब एक जो संसद का जो मेंबर है उनके ऐसी जो बात होती है बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत गलत बात है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या आप कभी महाराष्ट्र में आओ, आप अगर महाराष्ट्र में आते हो तो हमको बोल के दिखाओ कि आप जय जिजाऊ जय शिवराय मत बोलो। ये अगर हिम्मत रहेगी तो महाराष्ट्र में आके दिखाओ तो फिर हम बताते हैं कि जय जिजाऊ जय शिवराय बोलने पे ही महाराष्ट्र चलेगा, जय भीम बोलने से ही महाराष्ट्र चलेगा। कुछ भी ऐसा समाज में तेढ़ निर्माण हो ऐसा कुछ भी वक्तव्य मत करो। मैं इतना कहता हूँ और आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोगों की निंदाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों का कायदे के बेस से निंदाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।